माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए अगले प्रसंग को देखेंगे। इससे पूर्व हमने देखा माया क्या है और बंधन का कारण क्या है, उस माया से बचने के उपाय क्या है। इसी प्रसंग में भागवत का सबसे प्रसिद्ध एक प्रसंग है गज और ग्रह का जो संवाद था, जो युद्ध होता है उनके बीच में, उसको आज हम इस कथा के माध्यम से देखेंगे। इसी कथा का रसस्वादन राजा परीक्षित गंगा के पावन तट पर बैठ करके महाराजा सुखदेव जी के चरणों में बैठ करके आनंद लेते हैं। तो इसी कथा को हमें देखते हैं कि आगे के प्रसंग में क्या हुआ। गज और ग्रह इनके बीच का जो युद्ध है, वास्तव में यह क्या है, गज क्या है और ग्रह क्या है। गज बोले तो हाथी को कहा जाता है, ग्रह जो मगरमच्छ तालाब में रहता है। तो गज हम सब हैं और ग्रह काल को कहा गया है। तो इसकी जो पकड़ है काल की, जैसे जीव इस संसार में आता है या इस धराधाम पर आता है, उसकी पकड़ उसी समय से प्रारंभ हो जाती है। यानी जैसे जीव का जन्म हुआ, काल उसके साथ साथ चलता है। किस क्षण उसका अटैक होगा ये किसी को नहीं पता। तो गज और ग्रह का ये जो संवाद है, एक दृष्टांत के माध्यम से हम देखते हैं कि जीव जब बंधन में फंस जाता है, उसे कितना ही उपदेश दे दो, कितने ही सत्संग सुना दो, कितनी भगवान के नाम की चर्चा का वर्णन कर लो, उसे कुछ असर नहीं होता। क्योंकि माया का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि चाहते हुए भी जीव को सब सत्य नजर आता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति जो मतलब गधे पे सामान ढोने का काम करता था, डेली रस्सी लेके जाता, काम करने के बाद थोड़ा विश्राम करता खुद भी, और गधे को भी एक पेड़ के नीचे बांध देता था। एक दिन क्या हुआ, रस्सी ले जाना भूल गया। अब वो परेशान था कि अगर मैंने इसको बांधा नहीं तो ये कहीं भी चला जाएगा। अब वहां से एक महात्मा गुजर रहे, उसकी चिंता का विषय पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। तो संत तो संत हैं, बोले ये गधा है, रस्सी भूल गया, कोई बात नहीं, तू जहां बांधता था उसी पेड़ के नीचे ले जाके इसको खड़ा कर दे और बांधता था जैसे वैसे ही नाटक कर। अब गधा तो गधा, उसको पता है कि डेली बांधा है, आज भी बांध दिया। उसने जाके जैसे बांधता था वैसे ही नाटक किया और गधे को लपेट के बांध दिया। जब गधे को बांधा तो गधा को लगा कि अब मैं बंध गया, और किसान जो भी था वो आराम से लेट के पेड़ के नीचे विश्राम किया। फिर वो उठ के चल पड़ा और गधा तो अपनी जगह पे खड़ा है क्योंकि उसे पता है मैं बंधा हुआ हूँ। तो बोला ये बंधा भी नहीं और यहाँ से हिल भी नहीं रहा। तो महात्मा बोले कि जैसे तूने उसे बांधा था वैसे ही खोलने का नाटक भी कर, तभी वो चलेगा। इतना मारा फिर भी वो हिला नहीं। जब खोलने का नाटक करने के लिए गया उसके पास, तो गधा जो था अपने स्थान से दूसरी जगह चल पड़ा। कहने का मतलब ये है कि जीव को यही अज्ञानता के बस में पता है कि ये सब मेरा है और मैं इनका हूँ। वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी आपका नहीं और ना ही आप किसी के हैं। जो भी जीव इस संसार में आता है, जैसा भी परिवार खानदान उसको प्राप्त हुआ, वो उसके कर्मों का फल होता है। तो हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। ऐसे ये गज और ग्रह की जो कहानी है, तो द्रविण देश के जो राजा थे पांडु, इंद्रदुम्न उनका नाम था, बहुत अच्छे राजा, सात्विक आत्मा थे, प्रजा भी उनके राज्य में बहुत सुखी थी। वो हर राजपाट का अपना काम करते, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण यज्ञ हवन भी करते, ध्यान साधना भी करते, और जितना समय उन्हें अपने कर्तव्य के बाद मिलता एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान भी करते थे। जो राजा सात्विक या आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, भगवत चरणों में श्रद्धा रखने वाला है, निश्चित रूप से वो खुद भी संपन्न होगा और उसके राज्य में रहने वाली प्रजा भी सुखी होगी। तो इनके राज्य में ऐसा ही था। राजा बड़े धर्मात्मा थे, खूब दान पुण्य आदि का काम करते, प्रजा को लेस मात्र भी कष्ट नहीं था। लेकिन ध्यान साधना करते करते एक दिन तो ऐसा आता है जो वास्तव में साधना कर रहा है। कई बार हम साधना के लिए तो बैठते हैं लेकिन मन कहीं घूमता है,
जहाँ आपकी आसक्ति थी वहां मन दौड़ेगा, जिस चीज से रोकोगे उसी दिशा में ये भागता है। तो संतों ने कहा कि मन के साथ कभी झगड़ा मत करो, अगर आपका मन इधर उधर जा रहा है तो उसे जाने दो, पर एक बात समझाना कि मन जहाँ कहीं भी जाएगा परमात्मा वहां पर बैठा है, तो अपने इष्ट को वहां ले जा करके बिठा दो। तो ऐसे ही राजा को प्रजा का ध्यान रखते आनंद करते, लेकिन जब व्यक्ति साधना के पथ पर बढ़ता है तो धीरे 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 जब परिपक्व होती है तो एक दिन उनको वैराग्य हो गया। जितने राजपाट के जो भी सुख थे, उनके जो भी राजशाही जो शौक होते हैं, वो सब मन वहाँ से खिन्न हो गया। तो राजा ने निर्णय कर लिया कि अब मैं यहाँ से निकल करके किसी पर्वत पे जाके भगवान की साधना करूँगा। ऐसा निर्णय लेते ही वो मलय पर्वत पे चले जाते हैं। बहुत सुंदर पर्वत था वो, और जो क्षीर सागर था उसके आसपास, उसमें त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, बड़ा विशाल था, गगनचुंबी बड़ी बड़ी उसकी चोटियां थी। जब वहां जाकर के वो रहने लगे, सुंदर वातावरण, विभिन्न प्रकार के पुष्प खिले थे, अनेक प्रकार के फल फूल सब लगते। राजा ने सोचा कि ये स्थान सबसे बेहतर है। जब वो राजा वहां पर पहुंचे, साधना करने के लिए बैठते अपने नियम के अनुसार, प्रतिदिन का उनका नियम था प्रातः जल्दी उठना, जो भी दिनचर्या उससे निवृत्त होकर के प्रभु चिंतन में लीन हो जाते थे। ऐसे एक दिन साधना कर रहे थे जंगल में बैठे हुए अपने आसन पर, सुंदर हवाएं चल रही, मंद सुगंध समीरे ठंडी ठंडी बहती, विभिन्न प्रकार के पुष्प खिलते, सुंदर रमणीय वातावरण था, और जो पुष्प खिलते उनकी सुगंध पूरे जंगल में छाई रहती थी। तो वहाँ पर ऐसे ही एक दिन साधना में लीन, तभी वहाँ अगस्त ऋषि अपने कुछ शिष्यों के साथ जंगल में पहुँचते हैं, लेकिन साधना में लीन राजा अपनी धुन में अंतर में खोए हुए थे। जब व्यक्ति को अंदर का रस हाथ लग जाता है तो संसार के बाहर के जितने भी रस हैं सब फीके पड़ जाते हैं। राजा के साथ भी ऐसे ही हुआ। अगस्त ऋषि आए, उनको लगा कि इन्होंने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया है। पहले के जितने भी ऋषि थे क्रोध भी बड़ी जल्दी करते और श्राप भी दे देते तुरंत, राजा के साथ ऐसे ही हुआ। ये साधना में लीन बैठे, अगस्त ऋषि ने इन्हें आवाज भी दी, लेकिन वो अपने अंदर में इतने खोए हुए थे कि बाहर के जितनी आवाजें थी जो भी था उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तो जब ये बैठे रहे महात्मा को क्रोध आ गया। अगस्त ऋषि ने श्राप दिया कि तू मदमस्त हाथी की तरह बैठा हुआ है, एक इतने ऊंचे शिष्य आए हैं मेरे साथ, इतने बड़े महापुरुष तेरे सामने खड़े हैं, इतने उच्च कोटि के संत तेरे सामने आए हैं, तूने उनका अपमान किया है, तू जा करके अगली योनि गज की प्राप्त करेगा। जब ये श्राप दे दिया तो जब वो साधना से उठे तो उन्हें भान हुआ कि कोई ऋषि आए थे और उन्हें ऐसा ऐसा हो गया। तब वो भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए श्रद्धा से उसे स्वीकार किया कि प्रभु जैसी तेरी इच्छा। ऐसा कह करके जब उनका शरीर छूटा तो ये इंद्रदुम्न जो राजा थे वही जाकर के गज बन जाते हैं। जो गज और ग्रह के मोक्ष की जो कथा है, इसमें गज कौन है और ग्रह कौन है, ये कथा का संवाद कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो ये जो इंद्रदुम्न नाम के जो राजा थे यही जाकर के बाद में ग्रह बन गज बन जाते हैं। और जो गंधर्व था हो नाम का, इससे देवल ऋषि के श्राप से ये बन जाता है ग्रह। ये दोनों ये जल में रहते थे। बड़ा पर्वत वहां पर क्षीर सागर भी त्रिकूट नाम का पर्वत था, बड़ी बड़ी चोटियां थी, इसकी तीन शाखाएं थी, एक सोना चांदी और लोहा, तीनों में भयानक चढ़ा था, हीरे रतन जवाहरात बहुत सारे उस पर्वत की गोद में छुपा हुआ था। जब ये सोने चांदी की तीन बड़ी बड़ी चोटियां थी और लोहे की, जब ये सूर्य पड़ता तो खूब चमकती और जंगल में पूरा उजाला, ऐसे रात में भी छाया होता जैसे सूरज है, इतना तेज प्रकाश वहां का था, वहां का इतना अच्छा सुंदर वातावरण। वहां पर राजा का बहुत मन लगता, खूब साधना करते, लेकिन भगवान की कृपा कि गज की योनि तो उन्हें प्राप्त हो गई, लेकिन जब उन्होंने जो साधना की उसका फल भी तो मिलना था। तब साधक को कोई श्राप देता है किसी कारणवश तो भगवान उसका उद्धार ही कर देते हैं। ऐसे ही एक तपस्वी महात्मा वरुण, वो ऋतुमान नाम का एक पर्वत था, सुंदर उद्यान था वहां पर, विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वहां पर वास करते, एक हाथियों का झुंड भी रहता था, खूब सुंदर सरोवर था और उसका जल इतना ठंडा था
जो पुष्प आदि थे उसकी सुगंधित से फैल करके उस सरोवर का जो जल था वो भी सुगंधित हो जाता। तो बहुत सुंदर पशु पक्षी सब पानी पीते वहाँ पर, और वो महात्मा वरुण नाम के जो थे वहीं पर साधना करते। जब कोई साधक साधना करता है तो उसके आसपास का जो वातावरण है वो भी महक उठता है, वो भी प्रफुल्लित हो जाता है। जो भगवत नाम का जाप करता है उसके सानिध्य में आने वाले लोग भी प्रभावित होते हैं। जैसे कहीं कोई वस्तु खराब हो गई तो जैसे हवा का झोंका आएगा, चाहे सुगंध अच्छी हो या बुरी, वो उसके संपर्क में आकर दूर तक जाती है और जहाँ जहाँ जाएगी वो सब लोग को प्रभावित करती है। ऐसे ही जो अच्छा हो रहा होता है, अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वो भी प्रभावित करता है। भगवान बहुत सारी चेतावनी देते हैं जीव को कि अब समय आ गया है, मेरी तरफ मुड़ जा। कुछ घंटियां बजाते हैं भगवान, लेकिन फिर भी जीव चेतता नहीं। सबसे पहली घंटी बजती है वो है आपकी नेत्र ज्योति, दिखना आंखों से कम हो जाता है। फिर भी जीव बुद्धिजीवी प्राणी है भाई, अपनी बुद्धि तो दिखाएगा। आपने हमारी नेत्र ज्योति कम करी, कोई बात नहीं, हम अच्छी पावर का चश्मा बना लेंगे, पर अपने आप को प्रभु की तरफ नहीं मोड़ेंगे, यानी वो समझते नहीं। अगली घंटी बजती है उसमें भगवान हमारे बाल सफेद होने लगेंगे, तो हम डाई कर लेते हैं। ऐसी कई घंटियां बजाते हैं। फिर तीसरी घंटी बजेगी, उसमें आपकी श्रवण शक्ति जो है वो मंद पड़ जाएगी। चिल्ला चिल्ला के लोग बोलेंगे तब जाके कहीं हमें शब्द सुनाई देता है। और फिर अगली घंटी बजती है कि आपके जो दांत हैं वो भी हिलना शुरू हो जाते हैं। खाने के लिए केवल खिचड़ी या दलिया और कुछ खा नहीं सकते। पास में बैठा कोई चना वगैरह चबा रहा है तो आपके मुख में पानी आ जाएगा, क्योंकि प्रभु घंटी बजा चुके तब भी प्राणी चालाकी करेगा, नकली दांत लगा लेगा, पर चना तो खाएंगे। पर अंदर का जो सिस्टम है वो उसे पचाने के लिए समर्थ नहीं, फिर भी हमारा आहार पे कंट्रोल नहीं होता। हम जैसा खाते हैं वैसा हमारा मन, चित्त, विचार, भावनाएं वैसे ही बन जाती हैं। सात्विक आहार लोगे, कम आहार लोगे तो ना ज़्यादा निद्रा सताएगी, ना शरीर में आलस्य और प्रमाद आएगा। हल्का भोजन लेकर के जब साधक साधना में बैठता है तो वो सफलता प्राप्त करता है। इसलिए साधना के लिए ना तो बहुत कठोरता जरूरी है और ना ही बहुत ढीलापन छोड़ना, मध्यम मार्ग को अपनाना। इसे महात्मा बुद्ध की कहानी सबने सुनी होगी कि बहुत उन्होंने तपस्या की, प्रारंभ में बहुत व्रत उपवास किया, उनका शरीर एकदम पतला दुबला हो गया, यहाँ तक कि थोड़ी दूरी भी अगर वो तय करते तो चलने में मुश्किल होती। तो ऐसे ही बुद्ध ने एक बार साधना करते हुए निकल रहे थे, नदी को पार करना था। वहाँ पर एक बूढ़ी माता निकली तो देख रही है कि बुद्ध जो है नदी में घुसे है लेकिन पार नहीं कर पा रहे। तो वो बुढ़िया थोड़ा उनके पास गई, बूढ़ी जो माता थी, और जाकर उन्होंने बताया कि आपका शरीर इतना कसाय हो चुका है कि आप चाहते हुए इसे पार नहीं कर सकोगे। साधना अगर करनी है तो ना तो बहुत कठोरता रखो और ना ही बहुत ढीला छोड़ो। जैसे वीणा को देखा होगा, संगीत में बजाते हैं तो उसके तारों को जो बजाने वाला है ना तो बहुत टाइट करेगा और ना ही बहुत ढीला छोड़ेगा। टाइट कर दिया तो वो टूट भी सकती है, और ढीला अगर छोड़ दिया आपने तब भी स्वर अच्छे से नहीं निकलेगा। अगर अच्छे से वीणा को बजाना है तो मध्यम मार्ग में रखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर बुद्ध को ये शिक्षा मिली कि साधना के पथ पे साधक को बढ़ना है तो मध्यम मार्ग को अपनाओ। यहाँ पर वही भगवान बताते हैं कि साधक साधना करता है तो सचेत करते हैं भगवान कि संसार में जो माया का चक्र है, इतने लुभावना जो दृश्य तू देखता है, ये क्षणिक भर के हैं, इन्हें छोड़ के तू मेरी तरफ आ जा। तो भगवान यहाँ कई घंटियां बजा दे, और अंतिम घंटी जो हमारी बजती है वो है हमारे घुटनों से नीचे जो पिंडली का भाग है उससे चलना थोड़ा कठिन होता है। तो बोलते हैं ना घुटनों में दर्द कर रहा है या पैर दर्द कर रहे हैं, सबसे पहले मौत जो आती है तो पैर जो हमारे नीचे के हैं उसमें पीड़ा भयानक होती है। तो बहुत सावधान, जब प्रभु सचेत करें तो जो भी उपलब्ध है आपके पास सुविधाएं उसमें फंस करके उस रास्ते से मुख ना मोड़कर प्रभु के चरणों में शरणागति को प्राप्त होना। तो ऐसे ही ये राजा जो इंद्रदुम्न थे वो गज बन जाते हैं, और गंधर्व जो हुहू नाम का था वो देवल ऋषि के श्राप से गज ग्रह की योनि को प्राप्त होता है।
ऐसे ये ऋषि जो तपस्या कर रहे थे बैठ के देवल पानी में थे, और ये गंधर्व जो था अपने पत्नी बच्चे सबको लेके गया था वहां पर। तो उसको लगा कि मेरे बच्चे बड़े प्रसन्न होंगे अगर मैं ऋषि को डराऊंगा। तो अब गया पानी में, तो जाकर महात्मा तपस्या में देवल ऋषि लीन थे, बस धीरे से जाके उनको पैरों को पकड़ लेता है। अब जल में साधना कर रहे हैं तो उनको लगा कि कोई जल में जानवर रहता है, वो आकर के मेरे को जकड़ लिया। तो महात्मा एकदम से उछल गए और जो भी उनके दंड कमंडल रखे वो सब इधर उधर बिखर गए। अब देवल ऋषि खुद तो श्राप के लिए खड़े हो गए, और जो गंधर्व था ये हुहु नाम का, इसको श्राप दे दिया कि तूने गज ग्रह की तरह मेरे पैरों को जकड़ा है, तो अगले योनि तू ग्रह की ही प्राप्त करेगा। इस तरह इंद्रदुम्न राजा गज बन गए, और ये गंधर्व था हुहु नाम का, ये ग्रह बन जाता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है फिर तालाब में जो था सुंदर सरोवर। तो जो त्रिकूट नामक पर्वत था वहां पर सुंदर सरोवर भी था, उस सरोवर सुंदर सुंदर कमल खिले, सुंदर जलाशय था वहां पर भरा हुआ पानी, सभी पशु पक्षी वहां पर जल ग्रहण करते, और वो हाथियों का झुंड था वो भी वहां पर क्रीड़ा करने के भाव से एक दिन पहुंचता है। तो हाथियों का जो झुंड वहां पर रहता था पर्वत के पास, तो एक दिन उन सबके मन में आया कि उस जलाशय में प्यास लगती है तो कोई भी पानी के पास जाएगा। ऐसे हाथियों का झुंड उस पानी के तालाब में पहुंचता है, और जो हाथी विशाल काय था उससे सभी जंगल के जो जानवर थे वो भी भयभीत होते थे। लेकिन एक दिन अपने पूरे परिवार के साथ निकलता है, और सरोवर का सुंदर जल देख करके पहले तो उसने पानी पिया, और जैसे जैसे अंदर घुसता गया पानी बहुत शीतल था, तो शीतल पानी में बड़ा आनंद आता। पत्नी बच्चे सबके साथ किलो लेकर रहा था, कभी सूंड में पानी भर के अपने ऊपर डालता, कभी भर करके अपने बच्चों पर गिराता, कभी पत्नी के ऊपर गिराता, तो ऐसे क्रीड़ा कर रहा था। बहुत देर तक आनंद लिया उसने, लेकिन जैसे ही आनंद की जब घड़ी ज्यादा आ जाए तो समझ लेना कि वहां पर थोड़ा कष्ट भी आने वाला है। सुख के बाद दुख तो मिलता ही है, और दुख आया उसके बाद सुख भी जरूर मिलेगा, ये पक्की बात है। तो ऐसे ही गज अपने अहंकार में चूर था कि मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता, इतना बलशाली जो हूं मैं। उन्होंने कहा ये जो गज था इंद्रदुम्न राजा जो साधना की थी वो फल व्यर्थ तो जाएगा नहीं, साधना किया तो उसका फल भी मिलना है। लेकिन गज की योनि में उसे भूल गया कि मैं भगवान का भक्त था, इतना लीन हो गया। लेकिन जैसे ये क्रीड़ा कर रहा था उसी समय जो ग्रह जो गंधर्व था हो जो ग्रह बन गया वो आकर के इनका चरण पकड़ लेता है हाथी के। अब जैसे ही उसके चरण पकड़े तो बहुत प्रयास किया उसने छुड़ाने का, लेकिन चाहते हुए भी छुड़ाने में सफल नहीं हो पाया। तो बहुत देर तक संघर्ष चलता रहा, एक दिन दो दिन 1000 वर्ष तक दोनों में युद्ध घमासान चला। हाथी भी कम नहीं था लेकिन ग्रह तो ग्रह, वो अपनी तरफ खींचे, और हाथी के जो पत्नी बच्चे सभी थे वो सूंड में सूंड फंसा के एक दूसरे को पूरा प्रयास किया खींचने का, लेकिन अंत में सभी हार करके थक जाते हैं। और गजराज अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लगा मेरे पत्नी बच्चे सब मेरे साथ हैं, देखा जाए तो कोई आपके साथ नहीं है। ये जो जीव है संसार में जिसे अपना कहता है कि मेरे पत्नी मेरा बच्चा, कोई आपका नहीं है। जब तक आप कमा रहे हो, जब तक आपसे उसकी आवश्यकता पूरी होती है, तब तक आप उनके हो। जिस दिन आपने उनकी जरूरतें पूरी करना बंद की उस दिन आपसे कोई नाता नहीं रह जाएगा, 10 गालियां धिक्कार के घर से बाहर भगा देंगे, ये संसार का नियम है। ऐसे ये कहानी है, छोटा सा कथानक है। एक चोर था, प्रतिदिन चोरी करता खूब। अब जो व्यक्ति जो जैसा कर्म करेगा फल में तो वही भोगेगा। आप चोरी कर रहे हो फल मुझे मिले ऐसा तो हो नहीं सकता। चोर के साथ भी ऐसे ही था, उसे बहुत समझाया, एक महात्मा मिल गए। घूमते घूमते बहुत सारा सोने जवाहरात लेके पेड़ के नीचे बैठा बड़ा खुश हो रहा था कि आज तो मेरे पत्नी बच्चे बहुत खुश होंगे। अब तो कमा के ले जा रहा है उन्हें तो आनंद ही मिलेगा, खुशी होंगे। महात्मा ने पूछ लिया कि ये तुम कहाँ से लेके आयो? तो बोला ये तो मेरे डेली का काम है, हर रोज मैं चोरी करता हूँ, आज राजमहल में जाकर के बड़ा खजाना हाथ में लगाया। तो महात्मा बोले ये तो किसके लिए लेके जा रहा है? बोले मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, सब बहुत प्रसन्न होंगे। तो महात्मा बोले कि तू जो ये कर्म कर रहा है इसका जो फल मिलेगा
उसमें तेरे पत्नी बच्चे भी तेरे साथ भोगेंगे, पूछ के देखना। अगर तू आज चोरी करते पकड़ा जाता तो तेरे को मौत की सजा भी हो सकती है, कुछ भी सजा हो सकती है। क्या तेरी पत्नी बच्चे तेरे साथ जाएंगे? बोला, हाँ बिल्कुल जाएंगे, वो मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, क्यों नहीं जाएंगे? तो महात्मा बोले, एक प्रैक्टिकल करके देख लो, जो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे जाके घर में बोलना। बोले, बताइए। वरना ये धन दे देना, उसके बाद पत्नी से पूछना कि अगर मैं पकड़ा जाऊँ और मुझे सजा मिले तो मेरे साथ आप लोग चलेंगे क्या? इतनी बात सुन के महात्मा की वो चल पड़ा। बोलते, महात्मा कुछ भी बोलते हैं, मेरी पत्नी है, ये क्या जाने उसको। गया घर में, खाना पानी खाया सब। अब बोला, एक बात पूछनी है। बोले, बताओ। कहते, इतना धन मैं चुराता हूँ, हर रोज कहीं ना कहीं चोरी करता हूँ, कभी भी पकड़ भी सकता हूँ, मुझे सजा भी हो सकती है, तो मेरे साथ आप में से कौन कौन चलेंगे? तो बच्चे बोले, हम क्यों जाएं, चोरी तो आपने की है, आप सजा भुगतेंगे। पत्नी का भी यही उत्तर आया कि जो गलती किया सजा तो उसको मिलेगी, हम आपके साथ क्यों जाएंगे। तब उस व्यक्ति की आँख खुली और वो महात्मा के पास आया कि बोला, जो आपने कहा वो बिल्कुल सत्य था। उसी दिन से उस व्यक्ति ने चोरी करना छोड़ दिया। तो व्यक्ति जब महात्मा की शरण में गया और जो उत्तर उसको मिला, उसके बाद उसे वैराग्य हो गया। अब सबको वैराग्य हो जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो जब महापुरुषों के हमें सानिध्य प्राप्त होता है, जीव का कल्याण भगवत भक्त जो है उसी के शरण में हो सकता है। कोई परम गुरु हमें मिले, ये प्रभु कृपा। तो ऐसे गज और ग्रह भयानक युद्ध चलता रहा। सारे पत्नी बच्चे छोड़ छोड़ के गजराज को चल पड़े। अब गजराज सबको पुकारे कि मुझे बचा लो, लेकिन सब चिल्ला कर बोल दिए कि हम थक चुके हैं, अब आपकी लड़ाई आप ही लड़ो, कोई साथ नहीं दिया। जब अंत में लड़ते लड़ते एक छोटी सी पंक्ति है कि गज और ग्रह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे, तिलवर सूंड बची जल भीतर, तब हरि नाम पुकारे। गज जब थक गया, अपना पूरा बल लगा दिया, खून बहने लगा शरीर से, थोड़ा कमजोरी आने लगी, वीकनेस होने लगी, तो धीरे धीरे वो जलाशय के अंदर डूबता जा रहा था। थोड़ी सूंड बची हुई थी उसकी। उसी समय उसने आंख बंद करके बहुत श्रद्धा भाव से भगवान को जब पुकारा, तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही गज की टेर सुनी गोविंद ने, बिना गरुड़ पग धाए, गरुड़ को छोड़ के नंगे पैर भगवान दौड़ पड़े। तो जब भक्त पुकारता है भगवान को, भले ही उसने कभी कुछ किया ना किया, लेकिन अंत समय में अगर आपने प्रभु को पुकार लिया तो वो आपकी रक्षा करने जरूर आते हैं। भगवान ने सोचा कि मैं गरुड़ को लूंगा, तब तक तो समय हो जाएगा, मुझे बहुत जल्दी पहुंचना है। तो बिना गरुड़ की सवारी किए भगवान नंगे पैर ही दौड़ पड़े। लेकिन वह आकर भी सबसे पहले उद्धार गज का करना चाहिए था, क्योंकि गज ने पुकारा है। लेकिन भगवान ने क्या किया, गज का उद्धार बाद में, पहले ग्रह का किया। तो मतलब जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ लेता है, भगवान उसका उद्धार भी करते हैं। तो ग्रह का उन्होंने सुदर्शन चक्र से गर्दन से अलग कर दिया, और जो उसकी मुक्ति थी पहले की, वो भी ग्रह जो था भगवान के धाम में गया। सोचो, भगवान की भक्ति तो नहीं की, लेकिन भक्त के चरण पकड़ लिए, तो उसका भी कल्याण हुआ। तो गजराज बोले कि प्रभु, मैंने तो स्तुति की थी, आपने उसका उद्धार कैसे किया? तो बोले कि उसने तेरे चरण पकड़े थे और तू मेरा भक्त है, इसीलिए जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है मैं उसका भी कल्याण करता हूँ। इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ। आगे के प्रसंग में क्या हुआ अगले अंक में देखें। ओम शांति शांति शांति, ओम श्री परमात्मने नमः।